तो आपको पता है अर्चना जी, खान साहब जब गए इंग्लैंड, प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना ने इनको इनवाइट किया था, तो खान साहब ने अपना शो उनको उड़ा दिया था ना। दिल्ली में ही हुआ था जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा जी। तो प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स आए थे, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इतनी इज्जत दी कलाकार को। अच्छा जी। कि डायना के अपोजिट मुझे बिठा दिया। वाह, क्या बात। और खुद दूर बैठे हुए। वाह। तो वो ओपन एयर डिनर था और वो जिस किस्म के कपड़े पहन के आई थी उनको काफ़ी ठंड लग रही थी। अच्छा जी। डायना को, और ऐसा इधर उधर लोग देख रहे थे, तो मैंने कहा भाई व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कहते वी आर लुकिंग फॉर शॉल बिकॉज प्रिंसेस इज फीलिंग वेरी कोल्ड। तो मेरे पास शॉल थी लेकिन मेरे यहाँ गोदी में रखी हुई थी शॉल। अच्छा जी। तो मुझे थोड़ा हिचक हो रही थी उनको देने में, लेकिन फिर मैंने जब देखा उसको काफ़ी वो तकलीफ में थी वो, तो मैं उसको खड़े होकर उड़ा दिया शॉल। स्वीट ऑफ यू। पर मैडम साथ में थी आपकी? नहीं, वो दूर दूर दूसरी लेवल बैठी हुई थी। दूसरे दिन हाई कमिश्नर की वाइफ का फोन आया, ब्रिटिश हाई कमीशन की कमिश्नर की वाइफ का, और मेरी वाइफ से बात करी कि वेरी काइंड ऑफ यू, यू गेव द शॉल टू प्रिंसेस डायना, बट इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग इट बैक। अच्छा। तो फिर वाइफ ने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, कहते नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी लोग जब किसी को कुछ दे देते हैं फिर लेते नहीं वापस उसे। अच्छा खान साहब, आजकल ना एक नई चीज आई है जी, आजकल ना बड़े नए लड़के जो आते हैं मुंह से बीट वो बजाते हैं, बोलते हैं बीट बॉक्स बजाते हैं, कई तो मुंह से कुछ और भी बड़ी चीजें निकालते हैं। मुंह दराजी। हाँ। वो मुझे लगता है वो कई बजट भी नहीं होता, क्योंकि तो इंस्ट्रूमेंट क्या लेना है, ऐसे ही खुद ही बजा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक आते हैं सर, बड़े टैलेंटेड लोग आते हैं ऐसे, तो मैं ऐसे आज खान साहब आए हैं तो थोड़ा मस्ती मजाक के लिए। कितने हमारे यहाँ पे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि कोई मुंह से इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? अच्छा, मुंह से कुछ करेंगे? कुछ तो करेंगे खान साहब। तो कोशिश कीजिएगा कि आवाज़ जो भी निकालें मुँह से ही आए। जी सर जी, नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? हाँ कपिल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप जो समाज को इतनी बड़ी खुशियाँ बांट रहे हैं उसके लिए हम लोग, हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया सर, आशीर्वाद है आपका, धन्यवाद। जी सर। लेकिन ये आपके मुंह से आपने इसका कुछ साधना करी है, कैसे आपको ये सोच आया? नहीं सर, मैं कंघी से बजाता हूँ, कॉम से। अच्छा जी। कॉम में पेपर रख के। कंघी है आपके पास? हाँ कंघी है सर। अच्छा जी, कहाँ से आइडिया है अभी कंघी को मुंह में डालने का? बहुत अच्छा, आपने मन बहुत मन खुश कर दिया, बहुत बहुत अच्छा। तो पहली बार ऐसा हमने सुना, बहुत आनंद आया सब। अच्छा ये अच्छा है खान साहब, है ना, कहीं कॉन्सर्ट के लिए जाना हो कोई टेंशन नहीं, जेब में कंघी डालो और चलो, आई एम रेडी टू परफॉर्म। वाह क्या बात है संजय जी। दूसरा कौन था जो मुंह से कुछ करना चाहता था? आप अपना मुंह लेके आए? अच्छा हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश कालिया है। अब तेरा क्या होगा कालिया। जी। तो कहाँ से हैं योगेश जी? मैं बरेली से हूँ। बरेली से? हाँ, बेसिकली बिलोंग टू पंजाब। अच्छा, जलंधर। पंजाब में कहाँ से? जलंधर से। जलंधर से। अच्छा जी, तो सुनाइए कुछ। तो मैं बीन बजाऊंगा। हाँ, तो अगर सांप निकला है तो बंद कर देना। हाँ जी। बस चाहिए कुछ खाने का? चाहिए बस।
कसम से आज सैगल साहब होते ना कि आपके पेट पे मुक्के मारते. पहले ना सांप आने लगा था तो उसने जब सुना तो उसने दोनों कहा नहीं प्रॉपर बीन नहीं बज रही तो वापस निकल गया वो. बहुत बहुत शुक्रिया काली साहब. और कोई हमारे दोस्त? हाँ हाय कपिल सर. हेलो सर, हाउ आर यू? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. धन्यवाद सर, बहुत बहुत. और जो हमारे भाई साहब जी इन्होंने शादी का माहौल तो कर दिया है. हाँ जी. अब बारात तो लेके आ गया है, मैं सोच रहा हूँ विदाई मैं कर दूँ. अच्छा कैसे? वाह, नाम नहीं बताया सर आपने अपना. सर मेरा नाम रवि. रवि कहाँ से आए आप? सर लुधियाना पंजाब से. सारा पंजाब ही है. अच्छा आप सुनाइए प्लीज. आगे आगे. इन्होंने बजाया ना तो लग रहा था कि शादी रजामंदी से नहीं हुई. कोई भी स्केल पकड़ रहे लाइन पे. क्या बात है, मजा आया यार. बैठ जाओ. खान साहब आई होप हमने आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया. मतलब ये सब करके पर भी क्या है हमारा. नहीं नहीं, आप सबको खुशी दे रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि आप हर इंसान की फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं. जी खान साहब. और यहाँ सबको कहने का मौका मिल रहा है क्योंकि घर में शायद बोल नहीं पाते. खान साहब कहीं ना हर एक आदमी में आर्टिस्ट छुपा है. तो कभी कभी होता है कि हम लोग डेस्टिनी कुछ और आपके लिए प्लान करती है तो फिर हम भड़ास निकालने का मौका देते हैं. खान साहब ऐसे ना किसी के मुंह से हमने सुना था कि जैसे आपके परिवार का, आपके पूर्वजों का ताल्लुक जो है वो तानसेन जी से भी सीखते रहे. बिल्कुल. वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात है. एक्चुअली हमारे जो हमारे दोस्त हैं म्यूजिशियन, इनकी फरमाइश थी, कहते खान साहब के साथ कुछ हम बजाना चाहते हैं थोड़ा प्रोफाइल में थोड़ा. नहीं ज़रूर ज़रूर. तो एक ट्यून थी जो बहुत ज़्यादा बैंड में शादी ब्याह में इतनी पॉपुलर हो गई, वो मैं इसको सरोद पे बजा के आपको. जी प्लीज प्लीज सर, मजा आ जाएगा.
क्या बात है खान साहब, थैंक यू सो मच. ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था हमारे लिए. एक बार फिर से हम हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आए. थैंक यू सो मच. बड़ा मजा आया आज. नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. आप लोगों ने मुझे याद किया, अमान को, अयान को, और आप दुनिया को खुशी दे रहे हैं और हम सब आपको एडमायर करते हैं. शुक्रिया सर. अर्चना जी, हमेशा ये इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा कितने साल से हम लोग देख रहे हैं. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.